नमस्कार, हम हैं जंतर मंतर के ऊपर और आज सारी संयुक्त ट्रेड यूनियंस मिल करके एक प्रोटेस्ट कर रही हैं सरकार के जो दो बिल्स आए हैं एग्रीकल्चर को लेकर के उसके खिलाफ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सभी ट्रेड यूनियंस के जो नेता हैं ये यहाँ पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं और पुलिस का भारी बंदोबस्त भी है, भाषण चल रहे हैं, नारे लग रहे हैं और एक भारी प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा है और देखेंगे कि आगे क्या होता है। इसमें एटक, AITUC, C2, कांग्रेस की INTUC एवं सभी वामपंथी पार्टियों की ट्रेड यूनियंस भी हैं। संघर्ष लोग कह रहे हैं यहाँ के नेता कि लंबा चलेगा क्योंकि दोनों फार्मर्स बिल जो हैं वो फार्मर विरोधी हैं। किसान विरोधी कानून वापस लो, मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार हाय हाय, जन विरोधी सरकार हाय हाय, इंकलाब जिंदाबाद, हजार जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ठेकाकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केडीयू में विचारों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केडीयू में विचारों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्कीम वर्कर्स के जीविका पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। स्कीम वर्कर्स के जीविका पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योजना का वर्क के नाम पे शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 12-12, 14-14 घंटे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये चाहती है सरकार जहाँ से आई है, जहाँ से चली है, जिसकी बात करके, जिसका नाम लेकर के कामगारों का, नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, उस सब को सब ऐसा अध्यादेश ला रही है कि जिससे सब के सब समाप्त हो जाएं और केवल पूंजीपति इस देश में राज्य करे, अडानी करे, अंबानी करे और जो भी उनके हैं, XYZ में नाम नहीं लेना चाहता, ये लोग राज्य करे और बाकी अपने घर में बैठे और खाना अगर एक वक्त का मिल जाए, पेट भर जाए। 80 करोड़ के लोगों ने कहा था कि हमने इतना पैसा दिया है जिससे दो वक्त की रोटी मिल जाए, तो दो वक्त की रोटी से, खाली आटा देने से, खाली दाल देने से काम चलेगा क्या? अरे आग भी होनी चाहिए, तेल भी होनी चाहिए, नमक भी होना चाहिए, मसाला भी होना चाहिए, बच्चों की शिक्षा भी होनी चाहिए, दीक्षा भी होनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान ही नहीं रखा गया। केवल भोजन इनको एक रोटी दे दो और ये इनको इतना हाथ बेहाल कर दो कि उठ न सके, चल न सके, बोल न सके, काम न कर सके, तो देश को भी उसी स्थिति में पहुंचा देंगे। क्योंकि देश की जनता 130 करोड़ में से 68% खुद ही कहते हैं किसान है, बाकी कामगार हैं, खेतर मजदूर हैं, उसमें बहुत से 47 करोड़ में 40 करोड़ असंगठित लोग हैं, उनकी भी कोई सुरक्षा नहीं। कहते हैं पार्लियामेंट में कि हमको पता ही नहीं चला, हमारे पास संख्या नहीं है, हमारे पास संख्या नहीं है माइग्रेंट वर्कर की, जो गए, जो मर गए, कहां गए, बताइए। सरकार के पास संख्या न हो माइग्रेंट वर्कर्स की, ये कैसे हो सकता है? धार्मिक आधारों पर मजदूरों का विभाजन नहीं चलेगा, श्रम कानूनों में बदलाव नहीं चलेगा, श्रम कानूनों का कोडिफिकेशन नहीं चलेगा, बाल मजदूर है हल्ला बोल, किसान विरोधी सरकार पे हल्ला बोल, मजदूर विरोधी सरकार पे हल्ला बोल, जन विरोधी सरकार पे हल्ला बोल, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार पे हल्ला बोल, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जबरदस्ती लोकसभा में कल पास कर लिए गए और वो तीनों कोड जो हैं, एक कोड वो पहले कर चुके हैं पास वेज का, तीन कोड का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड, इन तीनों को जबरदस्ती पार्लियामेंट में पास किया गया जब वॉकआउट हो चुका था। और आज राज्यसभा में सो कॉल डिबेट होनी है, लेकिन राज्यसभा में भी अपोजिशन वॉकआउट करके बैठी हुई है, तो वो कोड वहाँ पास होने हैं। इसलिए इससे पहले कि मैं दो शब्द कहूँ, हम उस कोड को जलाएंगे। वो जो तीनों कोड हैं उनके फ्रंट पेज की जो प्रतियां हैं, मैं साथियों से कहूंगी जिनके पास है जरा ये बांट के, हाँ जरा दे दीजिए,
वो कोर्ट है, जिस कोर्ट को हम जलाएंगे उसके बाद ही मैं बात करूंगी। जनता विरोधी एक एक कॉपी दे देंगे। तो हम इन कोर्ट्स को स्वीकार नहीं करते, हम इन कोर्ट्स को फाड़ रहे हैं। अपने घर में चूल्हे में जलाएंगे लेकिन यहाँ पर हम फाड़ रहे हैं। मैं सब साथियों से कहूंगी जिनके हाथ में ये कोर्ट्स है उनको फाड़ दीजिए, ये जनतंत्र की हत्या कर चुकी है, इसको फाड़ दीजिए, जलाएंगे नहीं हम, ठीक है, फाड़िए। जनतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, पार्लियामेंट्री प्रोसीडियर की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, संसद की अवमानना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हैं? हाँ छोटे रूप में हो। सभी साथी फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए फिर से थोड़ा सा बिखर जाइए, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए स्वतः ही, ठीक है। तो साथियों हमने अभी जो तीन कोड पार्लियामेंट में पास किए गए उसके साथ साथ जो जबरदस्ती धक्काशाही से किसानों का भी एक दो तीन जो बिल है उनको पास किया गया, उनके भी तीन कानून नए बनाए गए जिसका प्रतिरोध किसान पूरे देश में कर रहे हो, और 25 को पूरे देश के अंदर उनका फिर से प्रदर्शन है जिसमें हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन उनका सहयोग करेंगे। तो हमने इन कोर्ट्स का प्रतिरोध किया, तो मैं सभी हमारे जो सहयोगी साथी यहाँ मौजूद हैं, पहली बात तो ये है कि हम सभी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है, सभी 10 के 10, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है, सभी मौजूद है यहाँ। शहीद आजम भगत सिंह ने उस समय उस इंडस्ट्रियल कोड को पार्लियामेंट के अंदर जो असेंबली कहलाती थी फेंका, उसका प्रतिरोध किया। आज हिंदुस्तान की सरकार जो IR कोड लेके आई है हमको फिर से ब्रिटिश राज के उस कानून में फेंक रही है। दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए कि 39 के अंदर सर छोटू राम ने किसानों के ऊपर होने वाले जुल्मों के खिलाफ उस समय अंग्रेज जो कानून लाए थे उस कानून का प्रतिरोध किया था, उसमें परिवर्तन किया था, और आज जो किसानों के लिए भी कानून आए हैं हमें 1939 से पहले के उस ब्रिटिश राज में वापिस फेंकते हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सेफ्टी, ये हमारी 150 साल की लड़ाइयों के बाद हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटी के आयाम लिए थे, सामाजिक सुरक्षा ली थी या काम के स्थान पे सेफ्टी ली थी, नरेंद्र मोदी या किन्हीं औरों ने नहीं हमको दी, किसी ने हमें तश्तरी पे नहीं दी, हम लोगों ने लड़के उसको हासिल किया। हमने 1923 में कंपनसेशन का कानून हासिल किया था, और इस देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी का कानून शुरू हुए बनने तो 1948 से देश के आजाद होने के बाद से हमारे वो कानून बनने शुरू हुए थे जिनके ऊपर कुठाराघात लगना शुरू हुआ। नटशेल में मैं जो कहना चाह रही हूँ साथियों कि जिस तरीके से पार्लियामेंट की निखेधी की गई है, बेइज्जती की गई है, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ट्रेड यूनियंस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसान संगठनों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और जबरदस्ती इन कानूनों को पास किया, तो हम ये कह सकते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार जनवाद में विश्वास नहीं रखती, संविधान में विश्वास नहीं रखती, त्रिपक्षीय वार्ता को नहीं मानती, द्विपक्षीय बहस को नहीं मानती,
किसी किस्म के विरोध को बर्दाश्त नहीं करती, ये मैं कहना चाहती हूँ। और इसीलिए मेरा आप साथियों से ये कहना है, ये कभी नहीं हुआ कि विपक्ष माइनस हो और कानून पास हो जाए, ये कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। तो जो ये बोलते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ हम करेंगे, तो वाकई जो 70 साल में नहीं हुआ नरेंद्र मोदी की सरकार वही कर रही है। इन्होंने झूठ बोला पार्लियामेंट में कि हमने पूरे देश के अंदर कंसल्टेशन किया है, उसके बाद हमने कोड इंट्रोड्यूस किया है, ये सच नहीं है। 2015 में जो हमारी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है वो की गई थी, आज 2020 है, हर साल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, 5 साल से इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को ताक पे रख दिया गया, फेंक दिया गया, कोई कमिटमेंट को नहीं माना गया और ILC भी होल्ड नहीं की गई। इस तरीके के इतने बड़े श्रमिक कानूनों में परिवर्तन के लिए साल डेढ़ साल पूरे देश के अंदर डिस्कशन डिबेट होती है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस उस पर चर्चा करती है, उसके बाद ही इस किस्म के परिवर्तनों के ऊपर कोई एक कॉमन पॉइंट बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जैसे किसानों के मामले में बोला जा रहा है किसानों को भरमा दिया गया है, ऐसे मजदूरों के बारे में बोला जा रहा है कि हम तो बहुत बढ़िया कर दिए हैं, ये श्रमिक संगठन केवल आवाज उठा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे लंबा ना खींचते हुए केवल इतना कहना चाहती हूँ, 9 अगस्त हमने मनाया, इसी जगह पे आए, भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को प्रणाम किया और देश को बचाने का प्रतिज्ञा करते हुए हम यहाँ से निकले थे। उस दिन 1 लाख के करीब जगहों के ऊपर वो प्रतिरोध हुआ था। आज सुबह से हम जानकारियां ले रहे हैं, कहीं किसी प्रदेश में 2000 स्थानों पे, किसी प्रदेश में 4000 स्थानों पे, किसी प्रदेश में 5000 स्थानों पे, किसी प्रदेश में 1000 स्थानों पे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पिछली बार हमने कहा था कि लगभग 1 लाख जगह पे ये कार्यक्रम हुआ, आज सुबह से जो आंकड़े आ रहे हैं उससे हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि 9 अगस्त से भी हम सरपास कर गए और मजदूरों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो अब और भी ज्यादा जगहों के ऊपर प्रदर्शनों में उतरे हुए हैं। पूरे देश से खबरें हैं कि 1 लाख से ज्यादा जगहों के ऊपर ये प्रतिरोध का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए देश बचाओ कहा था, और आज के इस प्रदर्शन में इन्होंने कोड्स जिस ढंग से लाए तो हमें अंग्रेजी राज की उस याद को दिला दिया कि उस दायरे में हमें फेंकना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अंग्रेजों की दलाली करने वाले आज कुर्सी पे बैठे हैं, आजकल अमेरिका की दलाली करते हैं, उनको हमें कहना पड़ेगा, हम सीधे सीधे मुंह पे कह रहे हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी आपकी सरकार विदेशी कंपनियों की दलाल है, आपकी सरकार साम्राज्यवादी ताकतों की दलाल है, आपकी सरकार दुनिया की पूंजी की गुलामी कर रही है, आपकी सरकार इस देश को गुलाम बनाना चाहती है, और हम ट्रेड यूनियंस जो आजादी के लिए लड़े थे, इस देश के अंदर अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़े थे, तो आपको भी हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का आवाम ज्यादा देर आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप अपने को बदलेंगे और आप नहीं बदलते हैं तो इस देश की जनता आपको बदलने वाली है, क्योंकि देश को बचाना निहायत जरूरी है और हम ट्रेड यूनियंस अपने देश को बचाने के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी हम खड़े हुए हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और HNS के साथियों को कहूंगी कि हरभजन जी को निमंत्रण देंगे। मजदूरों पे हमले नहीं चलेंगे, बेरोजगारी दूर करें।